सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में अभी तक वो खुलासा नहीं हुआ है जिसका इंतजार उनके चाहने वाले कर रहे हैं। हाँ, इस मामले में ड्रग एंगल सामने आने के बाद रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक को जरूर गिरफ्तार किया गया है। रिया की गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड जगत दो खेमों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ ऐसे सितारे हैं जो रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रिया की खुलकर आलोचना हो रही है। बॉलीवुड का एक बड़ा खेमा है जो रिया चक्रवर्ती के समर्थन में है और लगातार उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है। इनमें कई ए लिस्ट स्टार्स भी हैं। इनमें विद्या बालन, करीना कपूर खान, रवीना टंडन, सोनम कपूर, रकुल प्रीत सिंह, अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, जनेलिया, अनुषा दांडेकर, लक्ष्मी मंचू, टिस्का चोपड़ा, गौहर खान आदि शामिल हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो रिया के जेल जाने से खुश हैं। शेखर सुमन। अभिनेता शेखर सुमन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पहले दिन से ही उनके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। हाल ही में रिया द्वारा न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू पर शेखर सुमन ने सवाल उठाए थे। शेखर ने पूछा था कि 70 दिन लग गए रिया को सामने आने में, अगर रिया वाकई सुशांत की मौत से आहत होकर या फिर उनकी इज्जत के लिए चुप थी तो फिर उन्हें अपनी चुप्पी को कायम रखना चाहिए था। शेखर सुमन ने रिया के इस बयान पर भी सवाल उठाए जिसमें उन्होंने सुशांत के ड्रग लेने की बात कही थी। फिल्ममेकर रामगोपाल वर्मा ने रिया चक्रवर्ती का बचाव किया है। मीडिया के जमावड़े के बीच घिरी रिया चक्रवर्ती की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर आईं, रामगोपाल वर्मा ने इसकी निंदा की। रिया चक्रवर्ती के चरित्र पर उठ रहे सवालों को लेकर भी रामगोपाल वर्मा ने अपनी नाराजगी जाहिर की। फिल्ममेकर ने कहा, बिना सच्चाई जाने किसी को इतना नीचे गिरा देना बहुत निंदनीय है। पायल रोहतगी। अभिनेत्री पायल रोहतगी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगातार वीडियो पोस्ट कर रही हैं। इन वीडियो के जरिए वो रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर निशाना साध रही हैं। रिया चक्रवर्ती के समर्थन करने वालों के खिलाफ भी पायल अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। अंकिता लोखंडे। सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड और टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे बेबाकी से अपनी बात रखती आ रही हैं। हाल ही में उन्होंने रिया चक्रवर्ती को लेकर तमाम सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि अगर किसी शख्स को पता है कि सामने वाले को मानसिक बीमारी है तो वो उसे ड्रग क्यों दे रहा था, और ये मानसिक बीमारी वाली बात ही रिया ने खुद सबके सामने बोली है। शिवानी दांडेकर। फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड शिवानी दांडेकर खुलकर इस मुद्दे पर रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रही हैं। अंकिता लोखंडे के रिया पर तंज कसने के बाद शिवानी ने उन पर निशाना साधा था। एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर शिवानी ने अंकिता को 2 सेकंड की ख्याति पाने के लिए सुशांत का साथ देने वाली महिला बताया था। शिवानी ने यह भी कहा था कि अंकिता खुद सुशांत के साथ अपना रिश्ता नहीं संभाल पाई और अब रिया को टारगेट कर रही हैं। हिना खान। टीवी की जानी मानी अदाकारा हिना खान रिया चक्रवर्ती का समर्थन करती नजर आईं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान हिना ने कहा, सीबीआई को अपनी जांच पूरी करने के बाद फैसला दे देना चाहिए। जितने भी आरोप रिया पर लग रहे हैं वो उसका करियर हमेशा के लिए तबाह कर देंगे। शायद ऐसा वक्त भी आए जब रिया किसी का सामना ना कर पाए। रिया को अपना पक्ष रखने में 2 महीने का वक्त लग गया, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। स्वरा भास्कर। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर खुलकर रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रही हैं। अब तक कई बार वो ट्विटर पर रिया से जुड़े पोस्ट साझा कर चुकी हैं। हाल ही में स्वरा भास्कर ने इस बात पर भी जोर दिया था कि रिया ने सुशांत के परिवार को उनकी मानसिक हालत के बारे में बताया था। स्वरा ने सवाल पूछा था कि इतने बड़े मुद्दे को क्यों अनदेखा किया जा रहा है। बता दें कि स्वरा भास्कर ने रिया के पिता का भी हाल ही में समर्थन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल।
बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।